घटना सिर्फ बिहार की नहीं, पूरे देश भर की घटना, और ऐसी घटना जो छात्रों से जुड़े हुए मुद्दे और छात्रों की रोजगार से जुड़े हुए मुद्दे, और आप जानते होंगे कि छात्र 60% युवा इस देश के भविष्य निर्माता हैं, और उस भविष्य निर्माता के साथ यदि खिलवाड़ हो जाए तो कितना घातक होगा, ये तो आप सभी भली भांति जानते होंगे। आप जानते होंगे कि छात्र की ताकत कितनी बड़ी होती है। आपको रूबरू कराते हैं जो घटना का शुरुआत कैसे हुआ और अब किस रूप में बदल गया। पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल से आरआरबी एनटीपीसी के छात्रों के द्वारा महा आंदोलन शुरू हो गया था, और ऐसे में लगातार आंदोलन की जा रही थी। सिर्फ पटना की बात करें तो राजेंद्र नगर टर्मिनल ही नहीं, बिखना पहाड़ी में भी भयानक पत्थरबाजी की बारिश हो रही थी। आंदोलन ऐसा था कि रण क्षेत्र बन गया था, उसके बाद तो यह आंदोलन आग की तरह पूरा फैल गया। आपको बता दें कि यह आंदोलन सिर्फ पटना ही नहीं, बिहार के कोने कोने से लेकर छात्र आक्रोशित हो गए, और यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी आंदोलन बनने में तब्दील हो गया। जिस तरीके से पुलिस प्रशासन छात्रों पर अटैक कर रहे थे, कहीं ना कहीं छात्र मजबूर लग रहे थे। आप तस्वीरों में देखिए किस तरीके से छात्रों पर लॉज में घुसकर बेरामी से पिटाई की जा रही है। क्या यह हिंसक प्रवृत्ति पुलिस को अपनाना चाहिए? यदि ऐसी की जा रही है तो इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ देश के चौकीदार नरेंद्र मोदी पर जाता है। कहीं ना कहीं एक तरफ पुलिस भी अपनी ड्यूटी का फर्ज निभा रही थी तो दूसरी तरफ छात्रों ने भी अपना अधिकार पाने के लिए जान की बाजी लगा रहे थे। आलम यह हो गया कि छात्रों के खानसर बिखना पहाड़ी ऐसी जगह में विशेष रूप से ऑनलाइन और ऑफलाइन क्लास देते हैं, और आरआरबी के और एनटीपीसी के बारे में भी पुख्ता जानकारी रखते हैं। उन्होंने साफ कह दिया कि हम छात्रों के साथ हैं, और रेलवे ने जो गलत किया है उसको समझना जरूरी है। देखा जाए तो अब यह आंदोलन की आवाज रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव तक पहुंच गई, और अब रेल मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि जो भी समस्याएं छात्रों के साथ घटी है उसको अब जल्द से जल्द दूर की जाएगी। यहां तक कि सिर्फ और सिर्फ 3 सप्ताह के अंदर में समस्याओं का निपटारा कर दिया जाएगा। इससे और छात्रों में अब थोड़ी सी चैन की सांस आई है। अब छात्र अपने भविष्य के लिए रास्ता अख्तियार कर लेंगे, और अब आरआरबी और एनटीपीसी के छात्र राष्ट्रव्यापी आंदोलन से बच सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनकी आवाज सरकार के कानों में अब गूंज रही है, सरकार को एक्शन लेने पर मजबूर कर रही है। और अब आरआरबी और एनटीपीसी भी अपने बोर्ड में सुधार करने के लिए तैयार हो गए हैं। कहीं ना कहीं रोजगार के स्वरूप को ठंडे बस्ते में ली जा रही थी, जिससे कि छात्र आक्रामक हो गए। सिर्फ बिहार ही नहीं, पूरे देश स्तर का ये मसला था। भले ही कोरोना की आर में बहाना ढूंढ ले सरकार, लेकिन अब छात्रों को जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। आप बने रहिए द पंचायत के साथ। यदि अच्छा लगा तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें प्रोत्साहित करें, हमारे टीम को प्रोत्साहित करें। तब तक के लिए शुक्रिया।